ओके हाई गाइज वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडियो में बात करेंगे एस सी एस टी डिफरेंटली एबल्ड एंड कश्मीरी पंडित जो है ये जो बच्चे हैं इनका या कश्मीरी माइग्रेंट जो बच्चे हैं इनका कट ऑफ क्या है सिम्बासिस के लिए और थोड़ा डिटेल में जाएंगे देखो इनके जो कट ऑफ है ना वो वो इंस्टेंटली लो होते हैं एक्चुअली अगर मैं बात करूँ जहाँ तक सिम्बाइसिस है दे डू हैव अ रिजर्वेशन एंड मोस्टली नंबर्स आर नॉट यू नो आउट एट सच राइट जितने ओपनली आईम्स के होते हैं इनके नहीं होते हैं बट ये डेटा जो है वो पिछले दो तीन साल से हमने मैच करा सो काइंड ऑफ ये क्लोज बाय आता है एंड दैट्स द रीजन आई एम काइंड ऑफ यू नो ये देख लेना एंड अंडरस्टैंड वेर डू स्टैंड सबसे पहली बात जनरल के लिए पॉइंट है बहुत सारे बच्चे ना इसके ऊपर मेरे से डिबेट करते हैं सर ये पॉसिबल नहीं है बट आई टेल यू लास्ट ईयर का मैं वीडियो देख रहा था मेरा एस आई पुणे कॉल्स आउट का उसमें एक बच्चे ने आके बोला सर मुझे नाइन्टी या सिक्स सेवन पे कॉल आई है सो so ये पॉसिबल है इस साल भी होने के चांसेस हैं बट इट्स अ वेट एंड वॉच बट दिल अपना छोटा मत करना पे कॉल नहीं आ गई तो मैं प्रिपेयर करूंगा आपको जेडीपे के लिए फाड़ के रख देंगे दर इज नो डाउट अबाउट इट नाइन्टी सेवन पॉइंट फाइव सिक्स जीरो पर भी बच्चे लोगों ने कन्वर्ट करा है पिछले तीन साल से हो रहा है 20, 20, uh, 2021, 2022 इस बार भी होगा ठीक है सो वेट एंड वॉच फॉर दैट एस सी देखो सिक्सटी फोर एस टी फोर्टी डिफेंडेबल फोर्टी कश्मीरी माइग्रेंट एटी नाइन ये कट ऑफ इनके और ये बहुत लो है ठीक है, so, अगर आपका ये कैटेगरी है और अगर आपको इस लेवल पे कॉल आती है देखो ये तुम्हारे कॉल आने के कट ऑफ है कन्वर्जन के कट ऑफ तुम्हारे अलग रहते हैं सेम लाइक एम्स अगर आप आइए के बारे में बात करेंगे अगर मैं राउंड के बारे में बात करूं सर राउंड का कट ऑफ क्या है फिफ्टी फोर परसेंट है तो यहां पर भी वही चीजें हो रही है राइट right? कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो होते हैं बट कन्वर्जन के लिए आपको फाइट मारना पड़ता है अगर आप अच्छे से करोगे तो आप कन्वर्ट कर सकते हो आई नो समी हु इन साइड यू नो एस एम पुणे एट नाइन्टी एथ परसेंट एल एंड एस सी कैटेगरी का ठीक है फाइन एंड मोस्टली बच्चा लोग आके बोलता नहीं है कि सर मैं एस टी वाला हूँ मेरा तो सत्तर परसेंट एल मैं एस एम पुणे हो गया बच्चे कहते नहीं है बट देर आर स्टूडेंट्स देर विल बी स्टूडेंट्स यू नो डेफिनेटली आपका काम एक आपको एस आई बी पुणे के लिए मेहनत करनी है इसकी जो कॉल्स हैं वो अगले दो दिन में आएगी टुडे इज़ फोर्टीन इसकी कॉल कल या फिर परसों में पक्का आने वाली है कॉल जब आ जाती है इसके बाद आपकी प्रेपरेशन चालू हो जाती है यहां पे होता है ग्रुप एक्सरसाइज एंड पी आई यहां पर होने नहीं वाले हैं वैट वैट को स्क्रैप कर दिया है एस पुणे की जो इंटरव्यू फेज है वो दो होती है एक से लेके पांच फेब्रुवरी आठ से लेके तेरह फेब्रुवरी ठीक है इसमें आपका पूरा का पूरा जीडीपे है हो जाएगा मेरिट लिस्ट आएगी ट्वेंटी सिक्स को इसका मतलब बाय द एंड ऑफ फेबर बेटा आपको पता चलेगा दैट यू हैव क्रैक्ट इंडिया का वन ऑफ दी स्कूल एस आई बी एम पुणे है ना इट इज सो फास्ट इट इज सो फास्ट राइट अठारह मार्च तक आपको पेमेंट करनी है और आपकी कॉलेज पांच जून को चालू होने वाली है मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर बेटा आपके पास एस सी एस टी कैटेगरी है डी ए कैटेगरी है सो so डेफिनेटली आप मेहनत करो आपके कन्वर्जन पे अगर आपके पास न्यू आइए है बेबी आएम्स है उनको कन्वर्ट करो बट एस एम पुणे पे आप ज्यादा फोकस करो बिकॉज ये बेटर है आई एम कोई कोड अगर आपका नहीं हो जाता है इंदौर लखनऊ अगर आपका नहीं हो जाता है उस टाइप का एक्सपोजर उस टाइप का प्योर ग्रुप उस टाइप की सैलरीज आपको यहाँ पे मिल सकती है सो so, मेरा तो ये कहना होगा कि एस आई पुणे के लिए आप जान लगा दो मेक श्योर sure आप ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू में बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत करो बिकॉज ये मेक और ब्रेक है दूसरी बात पर्सनल इंटरव्यू एंड जी डी इज ग्रुप एक्सरसाइज इसका वेटेज है पचास स्नैप एग्जाम का बेटे से पचास परसेंट अब जो हो गया सो हो गया उसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते बच्चे यहाँ पे फोड़ते हैं यहाँ पे फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स लिखे आते हैं और कम परसेंट एल पे ऐसे भी पुणे वगैरह क्रैक करते हैं फाइन दूसरी बात मैं पे अकेडेमिक्स का कोई लफड़ा नहीं है वो कुछ भी आपको एकेडमिक्स लेवल पे नहीं पूछने वाले सो यू आर शॉर्टेड एक्चुअली ठीक है so actually, ये दो तीन चीजें ध्यान से देख लेना अब मैं बात करता हूँ एस एम एच आडी बहुत बढ़िया कॉलेज है नाइनटी सेवन की कट ऑफ है एस सी सिक्सटी एस टी फिफ्टी डी ए फिफ्टी वन कश्मीरी मैग्रेस एटी थ्री बाई द वे ठीक है एस एम एच आडी अगेन एट पार विथ न्यू एम्स अदर बेटर ऑफ न्यू एम्स बेबी आएम से तो तुलना कर ही नहीं सकते उससे काफी ज्यादा बेटर है पैकेजेस देखो एवरेज साढ़े तेईस है चौबीस पकड़ लो एस आई बी एम सत्ताईस है इसके नीचे ना गाइज इसके नीचे कट ऑफ जो है के कॉलेजेस की वो भयानक आपकी रिड्यूस हो जाती है और ये नंबर्स आप अनबिलीवेबल आपको लगेगा बट ये नंबर्स तो है ही है देखो एस आई टी जनरल कैटेगरी सत्तर परसेंट एल पे कॉल आती है अंदर जो बच्चा बैठा है तुम्हारा सत्तर अस्सी परसेंट एल वाला वो बच्चे पच्चीस अठारह बीस लाख की सैलरी ले रहे हैं फिलहाल इनकी रिपोर्टेड सैलरी ट्वेंटी एट में बट हमारा जो मेगा वर्कशॉप हुआ था स्नैप का वहां पे एस आई डी टी एम का टॉप पैकेज गेटर आके बैठा था जिसको तो ट्वेंटी नाइन लैक्स की सैलरी लगी है इन वन ऑफ द टॉप नॉट कंसल्टिंग कंपनी तो एस आई डी टी एम इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू फाइन आगे चलते हैं एस आई बी पुणे जनरल नाइनटी बट कैटेगरी के कट ऑफ देखो बहुत ज्यादा कम है इनकी हाइएस्ट थर्टी नाइन है मार्केटिंग में तो अगर आप मार्केटिंग एंथुजियास्ट हो आपने एस आई बी के लिए जान लगा देनी है एवरेज राउंड अबाउट साढ़े लाख एस आई बी एम बैगलोर इसकी जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर बट कैटेगरी की कट ऑफ देख लो भयानक लो है है ना तो आप अच्छा खासा मेहनत यहां पे कर सकते हो जहां तक सवाल है इनकी एवरेज राउंड अबाउट तेरह साढ़े तेरा यहाँ इस साल ना इनकी समर की थोड़ी प्रॉब्लम है बट फाइनल प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो रहा है एस आई एम एस कंपनी यहां पे ना गूगल जैसी कंपनी आती है कैंपस पे एक्सेंज स्ट्रेटेजी एक्सेंज आई टी कंपनीज आती है यहां पे बैंक ऑफ अमेरिका जेपी मॉर्गन मॉर्गन स्टैंडले जैसी कंपनीज आती है ये एक ना काइंड ऑफ हिडन जेम है इसमें डिफेंस कोटा है डिफेंस कोटा की जो कट ऑफ है वो चालीस तक भी जाती है जनरल कैटेगरी की कांट पे आ जाती है कॉल आपको और ये पक्का आएगी और इसके ऊपर आप ध्यान रखो इसके ऊपर आप मेहनत करो इनके पास साढ़े तीन सौ बच्चे हैं पर जो टॉप हंड्रेड बच्चे हैं जो वन थर्ड बैच है उसकी एवरेज चौदह लाख है विच इज बेटर देन एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम विच इज बेटर हैदराबाद आई एम टी नागपुर वगैरह 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 है ना एंड अगेन सिंपाइस का ब्रांड आपको लगता है तो आपका करियर आगे जाके और ज्यादा अच्छा खासा हो सकता है So, gym, हमें पता नहीं था हमें बच्चों ने बताया I reached up to the alumni, जो हमारे पुराने बच्चे वाला है इसमें डिफ्रेंसा ज्यादा होने की वजह से लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते अब देखो एस आई ओ एम एस आई एम की कट ऑफ एव कैटेगरी कट ऑफ देखो एकदम लो है एकदम लो है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर ऑपरेशन इन द कंट्री एमबी ऑपरेशन लेवल है हाइस्ट तीस लाख है यार एवरेज साढ़े चौदह है एंड इट्स अ गुड डील इनकी फीस भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत कम है यू गेट यहां पे जान लगाना जरूरी है यहां पे आप ट्राई मारो यहां पे आप जीडीपी के लिए अच्छा खासा प्रिपेयर करो फाइन सो एस आई एम के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं होती बिकॉज ये नीच लेवल पे है यहां पे नॉन इंजीनियर्स नहीं जाते हैं वो एग्रीकल्चर इनका जो एक एफ एम मतलब एग्री बिजनेस का जो प्रोग्राम है एस आई एम का वहां पे चले जाते हैं बट जो मेन प्रोग्राम है ऑपरेशन का वहां पे सिर्फ इंजीनियर्स है तो वह नीच बन गया सो एस आई एम एस जैसे कॉलेजेस एस आई ओ एम जैसे कॉलेजेस एस एस बी एफ जैसे कॉलेजेस जो नीच लेवल पे है उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती है राइट बिकॉज क्राउड भी उनके लिए अलग लेवल का है एस सी आई टी सत्तर परसेंट एवल पर आता है बहुत बढ़िया भी स्कूल है हाइएसट तीस एवरेज राउंड बट बारह कट ऑफ देख लेना बहुत ज्यादा कम है एस आई एम सी गुड है आप कर सकते हो साठ परसेंट एल पे कॉलेज आएगी एस आई सी एसर आप इग्नोर मार सकते हो एस एस बी एफ ये एक ही कॉलेज बचा है सिम्बासिस में जो अभी तक चालू है इसके फॉर्म आप ही भर सकते हो सोलह तारीख लास्ट डेट है फाइनेंस के लिए बहुत बढ़िया भी स्कूल है यहां पे आप एक डिसेंट प्रोफाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो दस बारह पंद्रह लाख की भी पैकेज आपको मिल सकती है हाईएस्ट बीस लाख है इनकी जो मैम है जो डायरेक्टर मैम है ही शी इज अमेजिंगली गुड एंड वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करेगी एस एस, एस के लिए प्लेसमेंट भी आपके ऊपर जाएंगे फिनटेक पाइथन वगैरह वगैरह स्किल वगैरह यहाँ पे पढ़ाया जाता है सो दे आर डूइंग रियली गुड यू कैन कीप इट एज एन ऑप्शन कन्वर्ट करेंगे बाद में देखेंगे लेना है कि नहीं लेना है इसकी कैटेगरी वाली यार कट ऑफ देखो मज्जा नहीं लाए ठीक है आज बात हुआ एस नागपुर के एक बच्चे से उसको समर इंटर्नशिप मिला एक बहुत अच्छा खासा टॉप नॉच मतलब बहुत रेप्यूटेडेड आई टी कंपनी इंडिया का स्टाइपन थोड़ी कम लगी बट वो इस भी कह रहा है कि सर यहाँ पे सिचुएशन बहुत अच्छी हो रही है आने वाले एक दो साल में कॉलेज बहुत बढ़िया करेगा सेम गु फॉर एस आई हैदराबाद ऑल्सो तो डूइंग रियली गुड एवरेज पैकेजेस देखो हाईएस्ट पैकेजेस देखो नाम बड़ा है ब्रांड बड़ा है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा काम करेगा नाउ लेट्स गेट टू द कंक्लूजन करना क्या है एस सी एस टी डिफरेंटली एबल्ड पीडब्ल्यू डी या फिर कश्मीरी माइग्रेंट अगर आपकी कैटेगरी ये है आपको कॉल्स बहुत कम कट ऑफ पे आने वाली है आपके लिए कॉम्पिटिशन भी ज्यादा होने नहीं वाली है आपको जान लगानी है आपके जी डी पे इट डज मैटर आपको साठ परसेंट आइल कॉल आती है सत्तर है पचास रुपये आती है अगर आपने जी डी फाड़ा तो आप एक नब्बे एक भी आप आगे निकल जा सकते हो और ये हुआ है ये हर साल होता है आई हैव है बट गेटिंग फोर्टी फाइव फोर्टी फोर इन जी डी पी आई एंड वो नाइनटी फाइव परसेंट वाले को भी बीट करके आगे चले जाते हैं सो कैस ये हुआ है ये होता है और ये होने वाला है सो so, आपको जी डी पी आई के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है इनका ग्रुप एक्सरसाइज होता है कुछ कुछ कॉलेज में ग्रुप एक्सरसाइज की आज मेरी यहाँ एक फ्री सेशन होने वाली है रात में दस बजे मैं व्हाट्सएप की लिंक दे दूंगा उस लिंक पर आना वो ग्रुप ज्वाइन करना वहां से आपको पता चलेगा आपको एक लिंक और मिलेगी जहाँ पे आपको लॉग इन करके आपको मेरी आज की फ्री वाली सेशन आपको बैठनी है इट्स गोइंग टू बी रियली फन आपको मज़ा आएगा बहुत सारी चीजें सीखोगे तो जी ए होता है कुछ कुछ कॉलेजेस में ग्रुप डिस्कशन होता है तो एंड हर जगह होता है है so सो अगर हम अपना फोकस पूरा पूरा का कन्वर्जन पे रखें ना कन्वर्जन के लिए हमें जी डी पैके लिए अच्छा करना पड़ेगा एंड एक बार कन्वर्ट हो गया फिर आप लेके बैठो आपके कॉलेजेस आपके पास क्या क्या है सर एस आई डी टी एम है एस एस बी एफ है आई एम टी हैबाद है एक्स वाई जेड है जो भी कॉलेज है आपके पास फिर आप उसमें से पी कैन चूज करो जो बेस्ट लगे आपको फिर so guys, आप आपको सिलेक्ट करो सो गाइज आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल आप लोगों ने मुझे कहा कि सर एक वीडियो बना देना आ, इन सब कॉलेज के ऊपर सो आई थॉट आई एल मेक अ वीडियो फटाफट से मैं जाते जाते आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इनकी लास्ट डेट क्या है देखो एस एम की कॉल सत्रह तारीख को आएगी बाकी दो तीन दिन में वो भी कॉल आ जाएगी फेब्रुवरी में प्रोसेस हो जाएगी एस की जो कॉल है जनवरी सिक्सटीन दो दिन के बाद ये भी आएगी जनवरी अट्ठारह को आपको एस आई बी की कॉल आएगी आगे चलेंगे एस आई ओ एम आएगी आपको जनवरी सोलह इज एस आई डी टी एम जनवरी ट्वेंटी सेकेंड ईडी जैन एटीन एस एस बी एफ जैन ट्वेंटी सेकेंड सो मोस्टली अगर आप देखोगे ना पच्चीस तारीख के पहले ट्वेंटी फिफ्थ जान के पहले एस आई एम ए सोलह तारीख एस आई बी एम हैदराबाद सत्रह एस आई बी एम नागपुर सोलह एंड एस आई सी एसन अठारह मोस्टली ट्वेंटी फिफ्थ जैन के पहले आपको सब कॉलेजेस की कॉल आ जाएगी फेब्रुवरी में आपकी जीडी पे होने वाली है सो so यू uh, so sure well. लगा देना मेहनत करना बाद में देखेंगे आज मेरा एक फ्री सेशन होगा डू कम एंड अटेंड दैट से गाइज इट फ्रॉम माई साइड डू शेयर दिस वीडियो लेट दम गेट अवेयर अबाउट कट ऑफ एंड ऑल्सो डू लाइक दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस सब्सक्राइड टू दैनल ठीक है गाइज बाय